नगर परिषद पोहरी के वार्ड क्रमांक 6 में हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार को आपकी नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के सुपुत्र जीतू राठखेड़ा ने नगर परिषद पोहरी के वार्ड क्रमांक 6 में नव निर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रश्मि नेपाल सिंह वर्मा और निर्वाचित उपाध्यक्ष श्रीमती कृष्ण लता संजीव शर्मा, सीएमओ तेज सिंह यादव, वार्ड पार्षद श्रीमती राम बंटी जाटव सहित नगर परिषद अमले के साथ घर घर जाकर नागरिक सुविधाओं से संबंधित जल समस्याओं को सुना और समस्याओं को चिन्हित कर उनके निराकरण का आश्वासन लोगों को दिया। ज़्यादातर लोगों ने साफ सफाई, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड आदि से संबंधित समस्याएं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताई। इस दौरान वार्डवासियों को जनप्रतिनिधियों ने समय सीमा के भीतर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। राज्य मंत्री राठखेड़ा के निर्देशन में हर मंगलवार को नगर परिषद में आपका पार्षद आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में पूरी नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद आपके वार्ड में घर घर जाकर समस्या सुनेंगे और निराकरण करेंगे। यदि कोई गंभीर समस्या है तो परिषद में आगे निराकरण किया जाएगा। आज युवा नेता जीतू राठखेड़ा ने कहा कि मंत्री सुरेश धाकर राठखेड़ा के निर्देश में हम पोहरी को आगे कुछ वर्षों में बहुत अच्छी तरह सुंदर बना देंगे, जिससे कि लोग कह सके कि पोहरी में विकास हुआ है। आपका वार्ड आपका पार्षद लगातार एक अभियान जारी है, आज बाढ़ से हमें भी आए हैं, क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं? लगातार ये क्रम पिछले 3 सप्ताह से हर मंगलवार की भांति इस बार भी वार्ड नंबर 6 में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आपके सेवक सुरेश राठखेड़ा जी के मार्गदर्शन में और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद इस वार्ड की श्रीमती रामश्री जाटव जी के सहयोग से इस वार्ड में हम घर घर जा रहे हैं। इस वार्ड में सीसी निर्माण का प्राथमिकता से मांग की जा रही है, नल की मांग की जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि इन सभी समस्याओं को, जैसे नल की समस्या है तो उसको अमृत योजना के माध्यम से दूर किया जा सके। सीसी निर्माण निरंतर नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, यही संकल्प है कि नगर परिषद का कि कुछ ही महीनों में हम हर वार्ड में कुछ हद तक सीसी निर्माण करके रास्तों को सुधारा जा सके। सर, जिस तरह से लगातार 3 सप्ताह हुए हैं आपने एक अभियान शुरू किया है सभी के नेतृत्व में, छोटी छोटी समस्याएं जो सामने आ रही हैं, नाली, सड़क, क्या इनकी कब तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी? पानी निकासी की तो त्वरित निराकरण हो रहा है। जैसे आज हमें कुछ समस्या मिली पानी निकासी की, नाली की, तो हम कल हर हालत में पानी निकासी करवाएंगे। जहाँ जहाँ निर्माण की बात है, निर्माण के लिए तो हम आगामी परिषद में सभी प्रपोजल रखेंगे और परिषद की स्वीकृति उपरांत टेंडर करेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिया है कि प्रत्येक सदस्य के घर पे पूरी परिषद जाएगी, उसी क्रम में आज मंगलवार को वार्ड क्रमांक 6 में हमारी पूरी परिषद, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय पार्षद जी, आदरणीय जीतू भैया और हमारी पूरी परिषद के कर्मचारी आज वार्ड नंबर 6 में प्रत्येक घर पर जा रहे हैं। जो समस्या मिल रही है, जैसे कहीं पर्ची नहीं मिली, खाद्यान्न पर्ची नहीं है, किसी के पास संबल का कार्ड नहीं है, किसी के पास नल की व्यवस्था है, तो जो जहाँ जहाँ नल लगने उन्हें तो हमने बोल दिया है कि आप अप्लाई करें। और नल की लाइन के लिए भी हम जल्दी प्रयास करेंगे कि जिस क्षेत्र में पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुँच पाई है वहाँ पाइपलाइन पहुँचे। और सीसी और नाली की जहाँ तक समस्या है, तो अभी चूँकि हमारी नई परिषद बनी है और मांग काफ़ी ज़्यादा है, तो जैसी जैसी हमें सहूलियत मिलेगी उस हिसाब से हम परिषद में स्वीकृत कराकर नाली और सीसी रोड का भी निर्माण कराएंगे।